लोकसभा टिकट की पिच पर क्लीन बोल्ड हुए सांसद रमेश कौशिक। सोनीपत लोकसभा से सांसद रमेश कौशिक की कटी टिकट, रुकिए माफ कीजिएगा, टिकट कटी नहीं है बल्कि टिकट मिलेगी ही नहीं। टिकट कटती तो उनकी है जिनको मिल चुकी हो या फिर मिलने की उम्मीद बची हो। यहां तो खुद सांसद रमेश कौशिक ने टिकट की उम्मीद भी छोड़ दी है। टिकट की पिच पर क्लीन बोल्ड हो चुके हैं सांसद रमेश कौशिक। समर्थकों में सियासी शोक की लहर, ऐसे में बड़ा सवाल, आखिर अब बीजेपी में कौन लेगा रमेश कौशिक की जगह। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। सोनीपत लोकसभा से बीजेपी की टिकट को लेकर बिग ब्रेकिंग न्यूज के साथ हाजिर हूं मैं आपका सुधीर जाखड़। आज की पॉलिटिकल स्टोरी में हम बात करेंगे भाग्य के धनी कहे जाने वाले भाजपा के सोनीपत लोकसभा से मौजूदा सांसद रमेश कौशिक जी की अब की बार लोकसभा टिकट को लेकर फूटी किस्मत के बारे में, और आखिर अब बीजेपी में कौन लेगा सांसद रमेश कौशिक की जगह सोनीपत लोकसभा से टिकट। कैसे हम इतना दावे के साथ टिकट की रेस से बाहर रमेश कौशिक को बता रहे हैं, शायद इसे आप खुद के लिए अचंभा या मेरा पूर्वाग्रह मान सकते हो, लेकिन सच तो यही है जो मैंने आपको बताया। चलिए इससे भी दो कदम आगे बढ़ते हुए बता दूं, बीजेपी के हमारे विश्वस्त सूत्रों की यह खबर हमने बाकायदा सांसद रमेश कौशिक के रिश्तेदारों से भी क्रॉस वेरीफाई कर ली है। वहीं जहां सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक जी भी 100% जान और मान चुके हैं कि इस बार बीजेपी उनको सोनीपत लोकसभा से टिकट नहीं दे रही, और सांसद महोदय ने बकायदा इसके लिए खुद को समझाते हुए अपना मन भी 100% पक्का करते हुए इसे स्वीकार भी कर लिया है। और तो और, बीजेपी हाईकमान की तरफ से ये संदेश, ये सूचना सांसद रमेश कौशिक को भी दी जा चुकी है। वहीं इसको लेकर परिवार वाले और रिश्तेदारों में इसको लेकर अंदर खाते सन्नाटा पसरा हुआ है, और मन बहलाने के लिए उनके घर वाले इस बारे में रमेश कौशिक के शुभचिंतकों को उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्या होना बता रहे हैं। लोकसभा सांसद जनाब रमेश कौशिक ने अपने खास घनिष्ठ मित्रों, जानकारों को बकायदा इसकी जानकारी भी दे दी है, जिसके चलते लोग उनके यहां टिकट ना मिलने को लेकर दुख व्यक्त करने भी लगातार पहुंच रहे हैं। जैसे किसी व्यक्ति के मरने के बाद लोग उनके घर परिजनों के यहां पहुंचकर शोक व्यक्त करते हैं, या हरियाणवी भाषा में कहें खरड़ पर बैठते हैं, या कई जगह इसको गोड्डा मोड़ना भी कहते हैं, लेकिन यहां अपने नेता के टिकट की रेस से बाहर होने पर सियासी शोक व्यक्त करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सियासी शोक से मेरा मतलब सियासी सफर में राजनीतिक तौर पर कुछ गलत होना। हाँ बिल्कुल, अति विश्वसनीय सूत्रों के मुताबिक सोनीपत से भाजपा सांसद का टिकट पर खतरे के बादल नहीं मंडराए, बल्कि उससे कहीं आगे ज्यादा टिकट पर बिजलियां गिर चुकी हैं, और बतौर सूत्रों के हिसाब से वो अब टिकट के लिए भागम भाग यानी भाग दौड़ भी नहीं कर रहे और शांति से कोप भवन में चले गए। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर कौन लेगा बीजेपी के सोनीपत सांसद रमेश कौशिक की जगह यानी टिकट। बीजेपी के हमारे विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक सोनीपत से अब की बार पूर्व ओलंपियन खिलाड़ी और बड़ौदा विधानसभा से लगातार दो बार चुनाव हार चुके योगेश्वर दत्त का टिकट लगभग फाइनल होने की बात सामने आ रही है। पूर्व ओलंपियन योगेश्वर दत्त पर बीजेपी दाव लगाने जा रही है, जिसकी 90% संभावनाएं हैं, और बाकी बचे 10% में राई से विधायक मोहनलाल बड़ोली को टिकट मिलने के चांस नजर आ रहे हैं। ज्यादा चांस योगेश्वर दत्त के बताए जा रहे हैं। हाँ, इतना फाइनल है कि बीजेपी सोनीपत लोकसभा से ब्राह्मण चेहरे को ही चुनाव लड़वाएगी। अगर योगेश्वर दत्त की जगह विधायक मोहनलाल बड़ोली को लोकसभा टिकट दी गई तो सांसद रमेश कौशिक को बीजेपी इस बात पर फिलहाल संतुष्ट करने की कोशिश करेगी कि रमेश कौशिक जी आपको विधानसभा चुनाव में राई विधानसभा से टिकट देकर चुनाव लड़वाएंगे, ताकि रमेश कौशिक इस लोकसभा चुनाव में कोई भीतरघात करने की कोशिश ना करे। वैसे भी रमेश कौशिक और
विधायक मोहनलाल बड़ोली में 36 का आंकड़ा है। फिलहाल आज की पॉलिटिकल स्टोरी में इतना ही कि रमेश कौशिक को बीजेपी सोनीपत लोकसभा से इस बार उम्मीदवार नहीं बना रही है, बाकी सब भविष्य के गर्भ में है और देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी किस चेहरे पर दांव लगाएगी। आपका इस खबर को लेकर क्या सोचना और कहना है, या आपके हिसाब से किसको सोनीपत से बीजेपी लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारेगी, विचार कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। और खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हरियाणा की राजनीति पर अपनी पैनी नजर बनाए रखने के लिए जुड़े रहें सिटी तहलका के साथ। शुक्रिया। किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज, कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रूमेटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8920052855 और 7206424061। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली NCR।